प्रभु की स्तुति। मेरे साथ में आप बाइबल में निकालें और चलिए तुरंत ही हम यहां पर देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। रोमियो अध्याय एक हम यहां पर सुसमाचार के दिल के यसार के बारे में कह रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ समय के लिए मैं काफी दूर था और जानता हूं कि ये गैप है मेरी शिक्षा में इस विषय पर। चलिए आज के दिन हम शुरू करते हैं रोमियो अध्याय एक और वचन 1 से 3 तक। मैं यहां पर एम्पलीफाइड बाइबल में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पौलुस इस तरह से लिखकर कहता है कि पौलुस जो यीशु मसीह का गुलाम है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, विशेष संदेश वाहक जो अलग किया गया है, जो सुसमाचार का प्रचार करे, खुशखबर को बताए जो परमेश्वर से है और परमेश्वर की ओर से है, जो उसने बहुत पहले ही प्रतिज्ञा करके रखी है अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा अपने पवित्र वचनों में। ये सुसमाचार तो उसके पुत्र के बारे में है। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम फिर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन जीवित करने वाला है, कि तेरा वचन हमें स्थापित करता है। धन्यवाद करते हैं कि ये व्यक्तिगत रूप में हमसे बातें करता है। और पिता धन्यवाद हमें ज्योति देने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि तेरा सुसमाचार, तेरा जो वचन है, ये हमारे दिल को प्रकाशन देता है, हमारे दिल को भरता है जीवन से और ज्योति से। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय आप हमारी मदद कीजिए कि हम फिर से जुड़ सकें इस शिक्षा के साथ में और हम वहीं पर जाएं जहां पर तू चाहता है कि हम जाएं। प्रभु हमें तू आजाद कर दे और अपने सत्य पर हमें तू स्थापित कर। और यीशु तूने ही कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, आमेन। आज के दिन जैसे हम इस शिक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके पहले हमने सुसमाचार के दिल या सुसमाचार के सार के बारे में चर्चा की है। और चलिए आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने यहाँ पर शब्द का उपयोग किया है कि सुसमाचार का सार, ये केवल इसीलिए कि इस शब्द की जो परिभाषा है उसे देखें। और इसकी परिभाषा तो बस यही है, यह है भीतरी स्वभाव या जो असली चीज है या फिर उस चीज की जो दशा है और वो जो अंदर में है। यानी जब हम सुसमाचार के दिल के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि सुसमाचार तो बहुत ही बड़ा है। आमेन। और जिस तरह से सुसमाचार को मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इसकी परिभाषा ये है कि इसका भीतरी स्वभाव या इसकी दशा, असली दशा या सुसमाचार का संविधान या कहिए सुसमाचार की जो बात है, मैंने सोचता कि हम इस तरह की क्लास में 8 पाठ में हम उसे पूरी तरह सिखा पाएंगे। आज सुबह जब मैं यहाँ पर आ रहा था फोर कॉलिंस से, मैं मनन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि आज यहाँ पर इस क्लास में मैं किस तरह से सिखाऊंगा। और मैंने इस बात को यहाँ पर जाना, हाँ मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, मैं इसके बारे में कह सकता हूँ, उसके बारे में कह सकता और मैं ये दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब चर्चा करने की बात आती है तो हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। ये जो कि मुख्य बात है और इसकी दशा, इसे हम पूरी तरह से समझ सकते हैं सुसमाचार के बारे में। लेकिन देखिए, अब तक इसे यहाँ पर देखे और पिछले कुछ क्लासेस में हमने ये देखा, तो सबसे पहली बात जिसे हमने देखा और जिस बात को हमने समझा है सुसमाचार के बारे में, वो तो यहाँ पर हमने अपने संदर्भ के वचन में से पढ़ा है कि पौलुस इसे परमेश्वर का सुसमाचार कहता है। देखिए, आज सुबह के समय जैसे मैं कुछ बातों के बारे में सोच रहा था, यहाँ पर ये सुसमाचार ये बहुत बहुत अलग तरीके से बताया गया है। सबसे पहले ये सच्चाई के बारे में कहता है कि सुसमाचार की एक शुरुआत है और कुछ समय में शायद हम इसके बारे में जरा देख भी लें। और ये कहता है कि सुसमाचार तो अनंत काल का है और हम इसके बारे में यहाँ पर देखिए, सच तो यह है कि गलातियों में पौलुस यहाँ पर ये कहता है कि ऐसा समय था जो कि सुसमाचार के पहले का था, यानी सुसमाचार के पहले का समय था जहाँ पर कोई सुसमाचार नहीं था। और फिर इसके बाद में देखते हैं कि सुसमाचार की शुरुआत थी और फिर हम ये देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसने जो प्रचार करना शुरू किया वो सुसमाचार की शुरुआत थी। और फिर ये तो यीशु मसीह का सुसमाचार, ये सुसमाचार जो यीशु देने के लिए आया था, और फिर वो सुसमाचार जो पौलुस ने प्रचार किया। और फिर पौलुस यहाँ पर कहता है, उससे कहता है ये परमेश्वर का सुसमाचार है। यानी हमने जो सबसे पहली बात ये देखी और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे याद रखेंगे, वो ये है कि सुसमाचार तो ये तो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की ओर से संदेश है। और यदि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है
और ये तो ऐसा ऐसा है जैसे हमने पहले ही देख लिया है। तो ये भी सत्य है कि उसका जो वचन है वो भी सच में अच्छा वचन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन तो हमेशा सहमत होता है। यानी जब भी हम सुसमाचार का अध्ययन करते हैं, सुसमाचार के बारे में कहते हैं, और जब भी हम सुसमाचार के बारे में बातें करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये संदेश, देखिए सुसमाचार तो यहाँ पर एक संदेश देता है जो प्रचार किया जाना चाहिए। देखिए यीशु मसीह के सुसमाचार का जो संदेश है, ये संदेश जिसे पौलुस कहता है ये परमेश्वर का संदेश है, ये हमेशा एक अच्छा ही संदेश है। ये कभी भी बुरा संदेश नहीं है, ये कभी भी परेशान करने वाला संदेश नहीं, और ये तो हमेशा, देखिए ये हमेशा परमेश्वर की भलाई के बारे में कहता है। अब यहाँ पर सुसमाचार जो शब्द है, जैसे हमने देखा है, ये स्पष्ट बताता है कि ये संदेश जो कि प्रचार किया जाना चाहिए, और ये तो पूरी तरह से सीमा निश्चित करता है, वो सीमाएं निश्चित करता है जिसमें सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए। देखिए जब मैं ये कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सुसमाचार अपनी सामर्थ्य में बहुत ही सीमित है। सुसमाचार की जो सामर्थ्य है ये तो सच में असीमित सामर्थ्य है। आमेन। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सुसमाचार किसी रीति से अपनी सामर्थ्य में यहाँ पर सीमित है, सामर्थ्य में और योग्यता में कि वो दिल में काम करें और मन में और लोगों के जीवन में काम कर पाए, लेकिन ये सीमित है। ये जो संदेश है, ये संदेश तो सीमित है, यहाँ पर कुछ निश्चित सीमाएं हैं। तो जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम इन सीमाओं को पार नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते तो निश्चय कुछ सीमाएं होती हैं जिसे हम पार नहीं कर सकते, और इस बात को हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुसमाचार जो है ये तो इस विभाग में आता है जहाँ पर परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का प्रेम है, और ये परमेश्वर को प्रकट करता है कि वो सच में कौन है। हर एक बात जो यहाँ पर सीमा में आती है, इस सुसमाचार की सीमा में, सब लोग मेरे साथ में कहें सुसमाचार। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें, हर एक बात या कोई भी बात जो यहाँ पर सुसमाचार की सीमा के बीच में आता है, जिस काम को यीशु ने क्रूस के ऊपर में पूरा कर दिया, यीशु मसीह के क्रूस ने, और उसने जो कुछ भी मनुष्य के लिए हासिल किया है, यही तो सुसमाचार का संदेश होता है। आमेन। तो फिर जैसे हम आज के दिन इसे देखते हैं, तो हम इस बात को ये भी समझते हैं कि हर एक बात जो कि बाहर है, इस सत्य से बाहर है, परमेश्वर की भलाई से बाहर है, शायद हो सकता है वो बाइबल के अनुसार हो। देखिए हर एक बात जो इससे बाहर है, देखिए बहुत से लोग इस तरह कहते हैं कि देखिए ऐसी बहुत सी बातें जो परमेश्वर के वचन में हैं, जो कि इस सीमा से बाहर की बात है, और शायद ये बाइबल के अनुसार हो, या शायद हो सकता है कि वचन की हो, लेकिन ये सुसमाचार तो नहीं है। यानी जब भी हम कहते हैं कि हम तो सुसमाचार का प्रचार करते जाएंगे ही, तो फिर हमेशा जरूरी है कि ये सुसमाचार के इस भाग में आता चला जाए, यीशु मसीह के पूरे किए गए काम के बारे में और जो कुछ भी उसने पूरा किया है। आज के दिन मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूँ, और पिछले संदेश में मैं सोचता हूँ कि हमने इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन पाया, और वो यही है कि हर एक बात जो कि आज परमेश्वर के राज्य में आज इस वक्त है, वो तो गौर करता है, या कहिए वो तो चिपका है, वो तो आधारित है यीशु ने कलवरी के क्रूस पर जो पूरा काम किया है उसी पर। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये तो बिल्कुल अटल बात है कि हम निश्चय इस निष्कर्ष पर आ जाएं। और देखिए आज के दिन हर एक बात विश्वासी के नाते, परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते, यदि हम सुसमाचार को जाकर बताएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे, पूरे संसार में यीशु का प्रचार करते जाएंगे, और हमें हमेशा इस बात को समझना है और जानना है, और कभी इसे अपने नजर से हटाना नहीं कि हर एक बात जो हम प्रचार करते हैं और जो भी लोगों से हम कहते हैं, हमें तो निश्चय गौर करते चले जाना होगा यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में जो काम पूरा किया है उसी के ऊपर। और जब भी आप प्रचार करते हैं ये सुसमाचार कई देशों को, कई लोगों को, या अपने आप को, तो आप कभी भी यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा किया है उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और इस पूरे किए गए काम की जो सीमा है उसी के अंदर में हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम कभी भी उस वास्तविकता में से बाहर नहीं आ सकते हैं, और परमेश्वर के वचन का हम प्रचार करें उस सत्य को बताए बिना ही ऐसा नहीं होगा, और हमें तो निश्चय उसी बात पर गौर करना होगा, क्योंकि आज हर एक बात जो परमेश्वर के राज्य में है वो ये तो गौर करती है, और ये तो आधारित होती है यीशु मसीह के पूरे किए गए काम के ऊपर में ही। हालेलुया, आमेन। तो जब हम सुसमाचार के दिल के बारे में यहाँ पर बताते हैं,
ये तो यहाँ पर बस प्रकट करना है परमेश्वर की भलाई, उसका प्रेम, उसकी करुणा, अनुग्रह और पापों की क्षमा परमेश्वर से उस थके हुए, परेशान, आशाहीन संसार को। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा जो संसार है ये तो पूरी तरह से थका है, परेशान है। आपको तो बस बस जाकर देखना होगा स्टारबक्स। मतलब मुझे सच में ये पसंद है, मैं आज सुबह ही वहां पर जाकर आया हूँ और उन्होंने ऑर्डर किया वो ट्रिपल, खैर उसका नाम क्या है, मतलब वो तो मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी अजीब बात थी। मतलब वो तो ट्रिपल शॉट, ये ट्रिपल शॉट था उस कॉफी में मिलाया गया था। मतलब जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी होगी उसके उसके यहाँ पर उन्होंने 3 गुना ज्यादा बना दिया। मतलब वो तो सच में बहुत थक गए होंगे। आमीन। और देखिए, मैं तो केवल एक ही कप कॉफी पीता हूँ और उसके बाद में मुझे जाने के लिए शक्ति मिलती है, अभिषेक आ जाता है। आमीन। हालेलुया। तो यानी सुसमाचार का प्रचार तो ये तो यीशु मसीह के पूरे किए गए काम का प्रचार है। अब एक बात जो मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यदि इसे पूरा नहीं कर पाए तो हम इसे अगली बार इसे आगे देखेंगे, चाहे जब भी हमारी सेशन हो, शायद कल या परसों, और गुरुवार के दिन भी हमारी क्लास है, हम इसे जरूर पूरा कर लेंगे। मैं तो यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर कुछ बातों को बताने के लिए अपने संदेश को छोटा नहीं करूंगा, लेकिन हमें तो इस बात को देखना ही होगा, यदि यदि सुसमाचार तो ये प्रचार करना है, यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए पूरे काम का प्रचार करना है, तो देखिए इसके साथ में एक सत्य है जो इसके साथ में ही चलता है, और ये तो इस समझ के साथ में होता है, जो समझ है ये तो सुसमाचार का मानो दिल है, और ये तो न्याय से पूरी आजादी है, न्याय से पूरी आजादी है। देखिए यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, उसका दिल या कहिए उसका जो सार है, ये तो पूरी तरह से स्पष्ट और जोर से की गई ऐसी घोषणा है हमारी आजादी की। देखिए यही तो एक बात बताने के लिए यीशु आया। यीशु ने इस तरह से कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य, ये सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो तो सच में स्वतंत्र है। अब जानते हैं, देखिए आजादी एक मसीह जीवन में, अब देखिए इसमें यहाँ पर बहुत सी ऐसी बड़ी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं। देखिए उनमें से एक बहुत ही ऐसा बड़ा विवरण है सुसमाचार का और शुभ संदेश का। ये देखिए यहाँ पर इसके द्वारा मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि जब भी हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, चाहे वो जो भी हो, शायद हो सकता है कि ये आप खुद कहते हैं, कितने लोग समझते हैं कि कई बार आपको खुद को प्रचार करना पड़ता है। मैं आपको सच बताऊं, देखिए मैं पिछले 3 हफ्तों से इतना व्यस्त था, मुझे तो बस अपने आप को ही सुसमाचार प्रचार करना था, और मेरा शरीर तो पूरा थक गया था, पूरी तरह से परेशान था। मुझे तो खुद को ही सुसमाचार प्रचार करना था क्योंकि ये महत्वपूर्ण था। और जब भी हम ऐसा करते हैं, हमें तो निश्चय प्रचार करना है, साथ में इसका विवरण भी हमें देना है, उस सत्य का जो कि इस सुसमाचार के बीच में छिपा हुआ है, और वो तो यहाँ पर न्याय से आजादी है। हालेलुया। अपनी बाइबल में मेरे साथ में निकालिए, चलिए यशायाह में देखते हैं, यशायाह। और खैर इसे अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, लेकिन ये है यशायाह, लेकिन खैर चलिए हम इसे कहते हैं यशायाह। कुछ लोगों का हफ्ता बहुत बड़ा हो गया, यहाँ मंगलवार को ही। आमेन। अब अध्याय 40, अध्याय 40, यशायाह अध्याय 40, हम वचन 1 से पढ़ेंगे। मुझे सच में पढ़ाना पसंद है यहां पर इस क्लास में। इस बारे में तो मैं ये पसंद करता हूँ कि आप लोग मुझ में से वो निकालते चली जाएं, इसे आप आसान बनाएंगे। और मुझे कुछ ऐसी जगह पर प्रचार करना पड़ा पिछले कुछ हफ्तों में जहाँ पर मुझे जबरदस्ती सिखाना पड़ा। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ गुब्बारे में हवा नहीं होती है और वो उड़ता नहीं, बिल्कुल नहीं। और यशायाह अध्याय 40:1 ये कहता है, कितने लोग यशायाह की किताब को समझते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर इसे समझने के लिए हमें यहाँ यशायाह को समझना होगा। ये तो बहुत कुछ बताता है यहाँ यीशु ने किए गए पूरे काम के बारे में,
और यहाँ पर बहुत सा प्रकाशन जो है वो दिया गया है सुसमाचार को, और ये बताया गया कि सुसमाचार कैसा होगा, ये कैसे प्रकट होगा और कौन कौन इसका प्रचार करेगा। सच में यहाँ पर यशायाह 40 यहाँ पर तो ये सच में सुसमाचार किस तरह से शुरू होगा इसके बारे में बताता है, और यहाँ पर सच में इसके बारे में बताती है और यहाँ पर हमारे लिए समझ लाती है, जहाँ की बाइबल सच में ये कहती है। जानते हैं ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता, परमेश्वर का वचन उसके पास में आया जब वो जंगल में ही था। ये कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास में आया, और ये वचन कौन सा था जो उसके पास में आया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो था जो वहां पर आया और संदेश का प्रचार उसने किया, और ये तो तैयारी थी मसीह के आगमन के बारे में, और यही तो वो है जो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए आया था। तो फिर चलिए यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना ने यहाँ पर कौन सा प्रकाशन पाया था और वो संदेश क्या था जो वो प्रचार कर रहा था। देखिए कई बार मैं तो ये सोचता हूँ, इन सारी बातों को पारंपरिक रूप में हम देखते हैं, या शायद हो सकता है कि हमने फिल्मों में इसके बारे में देखा, जैसे कि हमने 10 कमांडमेंट्स देखी और ये तो बहुत ही क्लासिक फिल्म है, ये बहुत ही अद्भुत फिल्म है। लेकिन देखिए बहुत से लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस तरह से देखते हैं कि वो मानो जंगल में कोई पागल व्यक्ति है, जानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम यही समझेंगे, वो कोई पागल व्यक्ति नहीं था जो वहां गंदगी में रहता था, मतलब वो ऐसा मनुष्य था जो जो सच में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि वही तो मसीहा है। मतलब वो कोई पागल व्यक्ति नहीं था, मतलब उसके पास संदेश था, उसका संदेश तो बाकी सभी बातों से बिल्कुल विरुद्ध में था, उन सारी बातों से जो लोग विश्वास करते थे। जब मैं कहता हूँ सब, यानी जो इसराइल में रहते थे वो विश्वास करते थे या यहूदी विश्वास करते थे। देखिए यशायाह 40:1 में यहाँ पर बाइबल कहती है, मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश है जो जो उसके पास में वहां पर जंगल में आया, और वो तो वचन को समझता था। ये कहता है कि तू मेरे लोगों को तसल्ली दे, तेरा परमेश्वर ये कहता है। यरूशलेम से शांति की बातें कहो। चलिए मैं आपको ये बात बता दूं, जब भी बाइबल इस बारे में कहती है, और खास करके यहाँ पर यशयाह में जहाँ जहाँ यरूशलेम बताया गया है, वो किससे बातें कर रहा है? यरूशलेम में कौन रहते थे? यहूदी। ये यहूदी कौन थे? वो तो परमेश्वर के लोग थे, ठीक है। और देखिए सच में देखिए कई बार तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसे देखते हैं और इसे नए नियम के अनुसार इसका अर्थ बताते हैं, यरूशलेम तो परमेश्वर के लोगों के बारे में कहता है जो कि तुम हो। आमेन। यानी अभी हम परमेश्वर के लोग हैं अब, यानी यहाँ पर देखिए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के लोग हैं, और ये कहता है कि यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार कर ये कहना कि तुम्हारा जो कठिन सेवा है वो पूरी हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि काश कुछ विश्वासी इसे अच्छे से समझ लें। ये कहता है तुम्हारा युद्ध तो पूरा हो चुका है। अभी भी कुछ विश्वासी है जो ये विश्वास करते हैं कि उन्हें युद्ध में लगे रहना है और बस जाकर युद्ध करना है। हम यहाँ पर युद्ध के बारे में कॉन्फ्रेंस में सिखाने वाले हैं और यहाँ पर हम युद्ध की सभाएं रखेंगे और सारी रात हम युद्ध करते जाएंगे। मतलब सुनिए, आपका युद्ध, अगर आप यीशु के पूरे किए गए काम को समझते हैं तो आपका जो युद्ध है वो तो पूरा हो चुका है। हालेलुया। उसके बाद ये कहता है कि उसके जो अधर्म है उसे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि यहोवा के हाथ से तूने अपने पापों के लिए दुगना दंड पा लिया है। आप कहेंगे कि इसका संबंध यूहन्ना के साथ में कैसे है? देखिए अगला वचन कहता है, किसी के पुकार जंगल में सुनाई देते कि यहोवा का मार्ग सीधा करो, प्रभु के मार्ग सुधारो और मार्ग तैयार करो। यहाँ पर जंगल में परमेश्वर के लिए महामार्ग तैयार करो। देखिये ये तो यहाँ ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कहता है, और देखिए उसके पास में जो संदेश आया था वो ये था कि देखिए वो यहाँ पर एक सुसमाचार या संदेश प्रचार करना शुरू करता है। यहाँ वो परमेश्वर का सुसमाचार बताता है। अगर आप इसे यहाँ पर देखें तो वो कहता है, और हमारे पास में समय नहीं कि हम एक एक वचन में यहाँ पर देखते चले जाएं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ये देखें कि यहाँ पर यूहन्ना क्या संदेश दे रहा है। ये कहता है यूहन्ना जंगल में प्रचार कर रहा था और उसका संदेश था कि पश्चाताप करो। आमेन। पश्चाताप करो, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करो। अब देखिए पश्चाताप शब्द का सच में अर्थ है आप अपनी सोच को बदलते हैं, अपने विश्वास को बदलते हैं और जिस तरह जब बातों को देखते हैं उसे बदलते हैं। पापों की क्षमा के लिए, यानी उसका संदेश यहाँ पर था कि उसने ये प्रचार करना शुरू किया। ये संदेश तो यहूदियों को दिया कि
कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदल देना होगा कि कैसे तुम देखते हो पापों की क्षमा को या पापों से निपटने के बारे में। आमेन। अब देखिए वो पापों से कैसे निपटते थे। परमेश्वर के साथ में जो उनका संबंध था, जो कि व्यवस्था पर आधारित था, वो इसी तरह से पाप से निपटते थे। खैर ये तो था, खैर बलिदान ये तो बात सही है और अवश्य ही व्यवस्था को मानने के द्वारा था और ये तो उन्हीं पर था। उन्हें वहां पर जो कुछ भी जरूरी था उसे करना था कि वो व्यवस्था को पूरी तरह से निभाएं। और फिर उसके बाद क्या होता था, देखिए ऐसी बातें जो कि वो खुद उसे पूरा नहीं कर सकते थे, वो तो ऐसी जगह पर आ जाते थे जहां पर अभी वहां पर उन्हें बलिदान चढ़ाना बहुत ही जरूरी था। यानी यहाँ पर जो पाप का बलिदान या पाप के लिए जो बलिदान चढ़ाया गया था, यानी उन्हें खुद जाना था, यहाँ पर खुद उन्हें जाकर वहां पर उस बलिदान को ढूंढना था या उसे खरीदना था, या फिर आपको अपनी भेड़ों के बीच जाना था, यानी अपने हाथों से इसे खरीदना था, अपनी ही योग्यता के द्वारा, अपने ही प्रयोजन से यहाँ पर इसे खुद अपने शक्ति के अनुसार खरीदना था, चाहे पैसे से या फिर अपनी भेड़ों में से, अपनी भेड़ या बकरियां या फिर जो भी जानवर थे उन सभी में से, यानी इन्हें जाकर वहां पर बलिदान को ढूंढना था। ये तो यहाँ पर निश्चय ही योग्य हो जाए जो व्यवस्था के विधि के अनुसार बताया गया, और यहाँ पर अपने हाथों में उसे वहां पर लेकर आना था और बलिदान लाना था। यानी आप अपने ही हाथों से यहाँ पर पाप से निपटते थे और परमेश्वर के सामने लेकर आते थे अपने ही हाथों से। ये तो ऐसा था कि आप खुद अपने लिए एक एक बलिदान का प्रयोजन कर रहे थे, और सच में ऐसे ही कहता है, ये तो खुद के लिए प्रयोजन करते बलिदान लेकर आते थे। आमेन। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर एक संदेश का प्रचार कर रहा है और वो उनसे ये कहता है कि सुनो, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम जिस तरीके से इन सारी बातों को देखते हो उसे बदलना होगा और देखना होगा और समझना होगा कि परमेश्वर कैसे पाप से निपटता है। हालेलुया। अपनी सोच को बदल दे और जिस तरह से परमेश्वर ये सब कुछ करने वाला है उसने मार्ग को जाने और वो यहाँ पर पापों की क्षमा का प्रचार करना शुरू करता है और परमेश्वर की भलाई के बारे में यहाँ पर वो कहता है और वो यहाँ पर बताता है। चलिए अच्छा है कि हम इस बात को देख ले, मेरे साथ निकाले मरकुस। मरकुस अध्याय एक। देखिए मरकुस अध्याय एक में यहां पर बड़े सुंदर तरीके से उसने बताया है, वचन एक, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे गौर से देखिए, सब लोग देखिए, यहां पर गौर कीजिए कि सुसमाचार की एक शुरुआत है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ जिसके बारे में वो कह रहा है कि यदि ये सुसमाचार की शुरुआत है तो हर एक चीज जो कि सुसमाचार की शुरुआत के पहले या सुसमाचार के पहले था वो सुसमाचार नहीं था। खैर ठीक है, ये लोग शायद सो रहे हैं तो चलिए यहाँ पर आते हैं, आप लोग जो जागे हुए हैं। आमेन। देखिए ये तो बात तो बहुत ही सरल है लेकिन साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको समझना होगा कि यदि हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो फिर हमें समझना है कि सुसमाचार की एक शुरुआत है, और इसका मतलब ये है कि हमेशा वहां पर सुसमाचार तो नहीं रहा। ये शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? ये कहता है जैसे भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे आगे जाएगा, वो तेरे आगे जाकर तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना ने जंगल में बपतिस्मा दिया है और उसने पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार वो करता है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है इसकी एक शुरुआत है और ये शुरू हुआ यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहाँ पर प्रचार करना शुरू किया और उसने कहा कि सुनो सब लोगों, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, केवल परमेश्वर के बारे में ही नहीं लेकिन परमेश्वर पाप से कैसे निपटता है उसके बारे में भी। हालेलुया। यानी वो इस तरह से करने लगता है। खैर चलिए मेरे साथ में इस वचन को देखते हैं,
और मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि लोग अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देते जाएं। क्यों आप अपने दृष्टिकोण को बदल दे पापों की क्षमा के बारे में? इसका कारण तो ये है, ये कि कोई भी मनुष्य जो है वो जीते हुए अपने भावनात्मक रूप में स्थिर नहीं रह सकता है यदि वो उस आने वाले न्याय से आजाद नहीं है। तो इसका मतलब मानो ये हमेशा उनके सिर पर ये होती है, न्याय की तलवार तो लटकी होती है, वो सिर पर लटकी होती है और ये नहीं जानते हैं कि वो जो तलवार है वो कब आएगी। और इसलिए यहीं पर तो आप इस बात को देखते हैं। मेरे साथ निकले लूका, लूका रचित सुसमाचार। यहाँ पर फिर से मैं बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी सी बुनियाद रखें और अपने मन को उन बातों पर लगाएं और फिर से अपने विचार को पटरी पर लाएं। यहाँ लूका अध्याय 8 मैं सोचता हूँ ये तो सच में लूका अध्याय तीन माफ करना लूका अध्याय तीन ओ देखिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया। हालेलुया। खैर देखते हैं, मैं जानता हूं मेरे बाइबल में ये कहां पर है, मैं इसे देख रहा हूं। माफ करना, यह लूका अध्याय एक, ओ नहीं, लूका अध्याय दो। मुझे मिल गया, लूका अध्याय दो में यहां है, वचन 1 से लेकर वचन 15 तक देखते हैं। और देखिए यहाँ वचन 8 से, देखिए इस कारण मैंने अपने नोट्स में यहाँ पर गलती की है। और यह है वचन 8 से लेकर वचन 15 तक, और मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा अध्याय 8 वचन 15 ऐसे लिखा, लेकिन ये गलत है। वचन 8 लूका अध्याय 2 वचन 8, हम ये कहानी जानते हैं, फिर से हम इस पूरे अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। ये तो वो बात है जब चरवाहे मैदान में थे, वो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और फिर उस समय परमेश्वर का स्वर्गदूत, देखिए वचन कहता है परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। वचन 10 कहता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। ये तो मसीह के जन्म के बारे में था, ये मसीह के आगमन के बारे में था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ में स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहने लगा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति, मनुष्यों के बीच में शांति हो, इस तरह ये कहता है। मतलब देखिए कितनी अद्भुत घोषणा थी ये। देखिए क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो तुरंत ही वहां पर स्वर्गीय क्षेत्र में इतना आनंद वहां पर मनाया गया कि इसे वो बस रोक कर नहीं रख सके वहां, केवल स्वर्ग में ही। और ये तो इस भौतिक शारीरिक संसार में आया और ये तो इस तरह से हुआ कि ये तो ऐसे लोग थे जो ये जो स्वर्गदूत है वैसे ही चुपचाप नहीं रह सके। और मैं सोचता काश मैं वहां पर रहकर इसे देखता, खास करके मेरे दृष्टिकोण से और आज आपके दृष्टिकोण से, कि स्वर्ग में उस आनंद को मैं देख पाता यीशु मसीह के जन्म के कारण या उसके आने के कारण। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बस यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था कि हमें इस दृष्टिकोण को बदलना है, जिस तरह से हम पाप के साथ में व्यवहार करने की बात को देखते हैं उसे बदलना होगा। क्योंकि जब मसीह यीशु का जन्म हुआ तो ये तो बिल्कुल शुरुआत थी कि परमेश्वर आपके पापों के साथ वहां पर व्यवहार कर रहा था, एक बार सदा के लिए, हालेलुया, अपने ही हाथों से। ओ हालेलुया। यशया, सुनिए, यशया अध्याय 40 कहता है कि तुमने इसे प्रभु के हाथों से प्राप्त किया है। देखिए इसके पहले वो पाप से निपट रहे थे अपने ही हाथों के द्वारा, वो कहता है अब तुमने इसे, अब सुनो, तुमने इसे पाया है परमेश्वर के ही हाथों से, और उसी के हाथों से आपने पाया है, पापों के साथ में व्यवहार किया, ये काम तो हो चुका है और तुमने अभी प्राप्त किया है अपने पापों के बदले में, तुमने यहां पर दुगना दाम पाया है। ओ हालेलुया।
मतलब ये अद्भुत है। अब देखिए यही तो बात है, देखिए यही अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है, यदि आप मेरे साथ में रोमियो अध्याय 10 यहाँ पर निकाले, चलिए इसे यहाँ पर सारांश में देख लेते हैं। रोमियो अध्याय 10 में यहाँ पर पौलुस कहता है, यहाँ वचन 13 से, चलिए यहाँ पर वचन 13 से पढ़ते हैं, जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाता है, तो वो उसे कैसे पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और उस पर वो कैसे विश्वास करें जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना है, और प्रचारक के बिना वो किस तरह से सुनेंगे, और जब तक भेजा ना जाए वो कैसे प्रचार करेंगे। जैसे लिखा है कि जो शांति के सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, और ये तो अच्छी बातों के बारे में समाचार लेकर आते हैं। अब देखिए, देखिए कैसे कहता है, स्वर्गदूत आगे आकर यहाँ पर कहते हैं, वो कहता है स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और यहाँ पर पृथ्वी पर शांति हो। मनुष्यों के बीच में शांति नहीं, ये ऐसा नहीं कि सभी के साथ में शांति होगी और फिर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, नहीं, ये कहता है कि इस पृथ्वी पर शांति होगी। यहाँ पर अंत में, यहाँ पर 4,000 साल परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दुश्मनी थी उसके बाद, अब यहाँ पर तो निश्चित एक तरीका होगा जहां पर परमेश्वर पाप के साथ में निपट लेगा, यानी अब तो यहाँ पर शांति ही होगी यहाँ परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। हालेलुया, आमेन। और फिर यहाँ तक कि पौलुस जब यहाँ पर सुसमाचार के प्रचार के बारे में घोषणा करता है, वो इससे कहता है कि सुसमाचार का जो प्रचार है ये तो शांति का सुसमाचार है। मुझे ये पसंद है, लिविंग बाइबल में जैसे बताया है वचन 15 में ये कहता है, ये वचन है जिसके बारे में वो ये कह रहा है, जब वो कहते हैं उनके पांव कितने ही सुहावने हैं जो परमेश्वर के साथ शांति के सुसमाचार का प्रचार करते जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के साथ में शांति का सुसमाचार, और ये तो अच्छी बातों की खबर लेकर आते हैं। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा और ये जानना होगा कि कोई भी मनुष्य कभी भी नहीं जानता, न महसूस करता या अनुभव नहीं कर सकता कि उससे प्यार किया गया परमेश्वर के साथ के संबंध में, जहां पर केवल उसी के काम निश्चित करते हैं कि आपको स्वीकार किया गया या नहीं। आमेन। देखिए, हम में से कोई भी सच में परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं जी सकते हैं जो हमारे कामों पर आधारित हो। देखिए, देखिए हम ऐसे संबंध में रह सकते हैं जहां हमारे काम निश्चित करते हैं, जो स्वीकार किया जाना निश्चित करता, यहां पर हम उसके बारे में ज्ञान रख सकते हैं इस सच्चाई पर कि बाइबल ये कहती है कि प्रभु हमसे प्यार करता है। आमेन। यानी हम बहुत कुछ कह सकते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हम परमेश्वर के प्रेम को यहां पर बाइबल के तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे वक्ता पुलपिट पर खड़े हो सकते हैं और वो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, और वो तो परमेश्वर की भलाई के बारे में बता सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत बहुत तरीके से कह सकते हैं, बहुत उलझे हुए शब्दों में भी, लेकिन कोई भी मनुष्य सच में ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकता है जहां पर वो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव खुद कर सके, अपने दिल की गहराई में आप खुद इस बात को जान ले। ये तो उसके साथ के संबंध से बाहर होने पर नहीं होगा जो कि आपके कामों पर आधारित होता है। हर एक संबंध जो कि केवल कामों के ऊपर आधारित होता है, हर एक संबंध जो कि आधारित होता है कामों पर, वो संबंध तो ऐसा है, वो तो इनकार किया जाना है, और इसका मतलब है आप अलग किए गए हैं, आप निकाल दिए गए हैं, और फिर निश्चय ही आप तो यहाँ पर न्याय की अधीनता में हैं, इसके बजाय कि आप परमेश्वर के प्रेम में और उसके स्वीकृति में हो। और इसलिए जब तक कि हमारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध है वो हमारे ही कामों पर आधारित है, तो इसका परिणाम तो हमेशा ही तिरस्कार किया जाना है कि आपको स्वीकार नहीं किया गया है और आप तो न्याय में दबे हुए हैं। जब तक कि आप वो करें और वैसे ही जिए, उस स्तर के अनुसार आप जीते चले जाएं जो धार्मिक मांग करते हैं, और ये तो व्यवस्था ने बताया है, और उसमें कोई भी आशा नहीं है। यानी
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, यीशु आता है और वो एक संदेश का प्रचार करते हैं। नंबर एक कि यदि यदि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को समझते हैं और इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि ये बड़ी जोर से घोषित करता है कि हम तो आजाद हो चुके हैं उस न्याय से और उस दंड से परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हमने इसे अपने कामों से नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, अद्भुत है ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समस्या यही है कि आप परमेश्वर के साथ में और किसी तरीके के साथ में संबंध में आते हैं। मुझे परवाह नहीं चाहिए छोटा हो या कितना बड़ा हो, परमेश्वर के साथ का आपका जो संबंध है अगर वो आपके कामों के ऊपर में आधारित है तो आप निश्चय ही अंत में ऐसा है दिल पाएंगे जो बीमार है। ऐसी आशा दिल को बहुत बीमार करती है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप किसी भी परिस्थिति में नहीं जीत सकते हैं, ये तो आप इस तरह से नहीं जीत सकते। तो प्रभु का धन्यवाद। चलिए मेरे साथ में इब्रानियों की पत्री आप निकाल लें, जल्दी से आप इसे निकाल लें। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों अध्याय 2:14, इब्रानियों का लेखक यहाँ पर हमें स्पष्ट बताता है कि यीशु तो खास करके इसीलिए आया था, उसका उद्देश्य यही था कि वो हमें छुटकारा दे, मृत्यु के डर से छुटकारा दे। और आप इस तरह से कहेंगे इसका न्याय के साथ क्या संबंध है, चलिए थोड़ा देर रुकिए मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर इब्रानियों अध्याय 2:14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जैसे लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, यानी शैतान को निकम्मा करे। तो इसमें अद्भुत बात तो ये है कि हम समझते हैं कि यीशु आया और वो तो बिल्कुल मनुष्य की समानता में उसके स्वभाव में आ गया, यानी वो मनुष्य बन गया कि मृत्यु के द्वारा वो उसे नाश करे जिसे मृत्यु पर सामर्थ मिली थी अर्थात शैतान को। और यहाँ पर जो शब्द है जो मृत्यु की सामर्थ, ये तो मृत्यु की वो सामर्थ थी जो शैतान ने यहाँ पर लोगों के ऊपर में डाली थी, और ये तो मृत्यु का डर था, यानी ये तो मरने से लोग डरते थे अपने पाप में ही, और वहां पर न्याय में दबे रहना और वो पूरी तरह से नाश हो जाते, ये तो उनके पाप के दंड के कारण वो पूरी तरह से न्याय में आते। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए वचन 15 कहता है, और उन्हें छुड़ाए जो कि मृत्यु के डर के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में वो तो बंधन में पड़े हुए थे। और देखिए सामान्य रूप में इसी तरह से कहता है, चलिए मैं यहाँ पर अंतिम वचन को पढ़ लेता हूँ, मैसेज बाइबल से इसे पढ़ते हैं। ये कहता है उन्हें आजाद किया जो अपने पूरे जीवन भर में डरपोक थे। ये कहता यीशु आया और उसने उन लोगों को आजाद किया जो अपने पूरे जीवन में पूरी तरह से डरपोक हुए थे, वो डरे हुए थे, राह देख रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर उनकी हत्या कर देगा, क्योंकि वहां पर ये मृत्यु का डर है। और सच में यहाँ पर ये जो शब्द है मृत्यु का डर, यहाँ इस ग्रीक भाषा में ये कहता है दंड देना, न्याय करना, ये तो डर है उस बहुत ही सताव के साथ में मृत्यु को देने का। ये केवल मरना और अस्तित्व से खत्म होने के बारे में नहीं कहता, ये तो मृत्यु है, ये तो उस दंड को लेते हुए मृत्यु को पाना है, न्याय जो आपके पाप के लिए परमेश्वर की ओर से आता है। और ये कहता है कि यीशु इसीलिए आया कि हमें आजाद करे हर समय इस डर में रहने से और मृत्यु के द्वारा मरने के जो डर से आजाद करे। मैसेज कहता है कि मृत्यु के कारण मरने तक डरते हैं। हाँ ठीक है, मुझे लगा आपके पास सवाल है। खैर प्रभु की स्तुति। इब्रानियों अध्याय 2:15 में यहाँ पर एम्पलीफाइड बाइबल इस तरह से हमें ये बताती है, ये कहती है कि जो लोग उस मृत्यु के डर में पूरी तरह से फंसे हुए थे, सताए जाते थे, उन्हें पूरी तरह से आजाद कर दे जो कि अपने पूरे जीवन में इसी के बंधन में पड़े हुए बाकी रह गए थे। देखिए मृत्यु का ये डर ऐसा है कि बहुत से लोग जो है ये तो बंधन में बंधे होते हैं, बहुत से बुरी आदतों में लोग पूरी तरह फंसे होते हैं, और ये तो सच में ऐसी बुरी लतें होती है जिसके अंदर लोग बहुत बुरी तरह से बंधे हैं। ये तो सच में गहरे जड़ पकड़े हुए डर से शुरू होता है, चिंता होती है,
और हम ये महसूस करते रहते हैं कि हम परमेश्वर के न्याय के अंदर दबे हुए हैं, ये महसूस करते हैं कि आपके जीवन के लिए कोई आशा नहीं है, और ये महसूस करते हैं कि मेरे लिए कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि मेरा जो उद्धार है और मेरे पापों की जो क्षमा है, यदि ये मेरे हाथों के कामों पर है तो मैं वो छुटकारा लेकर नहीं आ सकता। आमेन। और देखिए, इस तरह बहुत से लोग इस तरह की बुरी लतों में जीते हैं और गलत तरह के संबंधों में जीते हैं, हर तरह की गलत बातों में वो जीते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में न्याय और डर की ये जो दोष भावना रहती है। और देखिए, मुझे ये पसंद है और इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं जानता हूँ लोग इस तरह से कहेंगे, अर्थर निश्चय ऐसे कुछ न कुछ तो बात तो होगी कि यहाँ पर आदर का डर होना चाहिए, जो कि वहाँ, यानी यदि हम उस तरह के अनुसार नहीं जीते हैं, मतलब पूरी तरह से बिना किसी डर से नहीं जी सकते, मतलब यहाँ पर। और सुनिए, और आपको ये समझना होगा, काश आप लोग समझ लें और इस बात को सुन लें। देखिए, नए नियम में तो बहुत ही स्पष्ट बताया है कि ये पाप है जो मारता है, परमेश्वर नहीं। चलिए मेरे साथ में निकालिए याकूब, और देखिए, इसके बिना तो हम यहाँ पर इस शिक्षा की जड़ तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। कल हम इसे आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और फिर गुरुवार के दिन तक हम इसे खत्म करेंगे। आमेन। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ सहमत हो। हालेलुया। ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। हालेलुया। याकूब अध्याय एक, और देखिए वचन 12। देखिए याकूब क्या कहता है। ये कहता है कि धन्य है, आशीषित है वो मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो कि परीक्षा के समय धीरज रखता है, और जब उसे परखा जाता है वो वहां पर खड़े रहता है। मैं एम्पलीफाइड में से पढ़ रहा हूँ। ये कहता है कि जब वो वहां पर परीक्षा में खड़ा होता है और विजयी होता है, तो वो वहां पर जीवन के विजय मुकुट को पाता है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। और इसलिए जब किसी की परीक्षा होती है तो ये न कहें कि उसकी परीक्षा, चलिए मैं इसे फिर से कहूं, कोई भी इस तरह से न कहने पाए जब उसकी परीक्षा होती है। यहां पर परीक्षा शब्द मतलब उसे जांचा जाता है, परखा जाता है। कोई भी मनुष्य ये न कहने पाए जब उसकी परीक्षा होती है, उसे परखा जाता है, कि परमेश्वर से मेरी परीक्षा हुई। और मैं आपको बताऊं, ये तो निश्चित होगा, जब आप चाहे अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं, चाहे ये चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे अभी समय हो रही है, मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि आप एक या दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, चाहे जीवन में जो भी हो रहा है, कभी ये न सोचे कि परमेश्वर ने ही ये सब कुछ किया है। हाँ, निश्चय अर्थर परमेश्वर तो ये परखता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपको परखने के लिए, आपका मूल्यांकन करके देखने के लिए कि आपके चरित्र का जो भाव है वो क्या है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट है, और मैं जानता हूं सब लोग सहमत होंगे कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। कमॉन, वो कहता है वो आपको अच्छे से जानता है कि आपके सिर के बाल भी उसने गिने हैं। हालेलुया। और आज सुबह के समय जो 25 बाल सिर पर से झड़ गए हैं, कहिए मेरे सिर से। परमेश्वर का कैलकुलेटर जानता था कि 25 झड़ गए हैं। इसी तरह सुनिए, इतने करीबी से परमेश्वर आपको जानता है, तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर को ऐसा कुछ करना होगा कि वो जान ले कि आप किससे बने हैं। वो आपको जानता है, वो आपके पूरे अंदर से, आपके पूरे भीतर से आपको जानता है, और सच में वो हर एक डीएनए सीक्वेंस को जानता है आपके जीवन के, और उसे उल्टी गिनती में बता सकता है कि वो आपकी परीक्षा क्यों लेना चाहेगा कि देखे कि आपके अंदर क्या है। भजन 108 कहता है, मैं तुम्हारी बनावट को जानता हूं, जानता हूं तुम किससे बने हो, तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी के बोरे हो, मुझे पता है। मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही गंभीर हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति।
कुछ विश्वासी कहते हैं मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। आमेन। मुझे पता नहीं क्यों आपके कोई दोस्त नहीं, आपने अपने मुंह को बताया नहीं कि आप मुस्कुरा सकते हैं, हालेलुया। लेकिन आप लोग नहीं, आप नहीं, कोई भी नहीं। आमेन। तो यही बात है, यही बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि कोई भी मनुष्य स्तर से न कहे कि जब मेरी परीक्षा होती है तो ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से ही होती है। क्यों? नंबर एक, यहाँ पर वो बताता है, यहाँ पर पूरा विवरण देता है कि परमेश्वर किसी की भी परीक्षा बुराई से नहीं लेता है, और इसके लिए कारण क्या है कि वो कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। ये नहीं कहता कि परमेश्वर ज्यादा लोगों की परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा नहीं करता, लेकिन हर एक व्यक्ति तो परीक्षा में फंसता है, ठीक है। अब ये कहता है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, लेकिन कहता है हर एक जिसकी परीक्षा होती है, ये नहीं कि कुछ लोगों की परीक्षा होती है, सबकी परीक्षा होती है, यानी परीक्षा की जाती, परखा जाता है, जबकि वो अपनी ही अभिलाषाओं में फंस कर वहां पर खींचता चला जाता है। एम्पलीफाइड बाइबल कहती है कि अपनी अभिलाषा और इच्छा में, देखिए जो असली भाषा है वो इस तरह से कहती है कि हर किसी की जिसकी भी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा होती है उसकी खुद की मजबूत इच्छाओं के द्वारा। ये जो बुरी अभिलाषा है, ये बहुत ही मजबूत होती है, बहुत मजबूत। आपको इस बात को समझना होगा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये दिया है, हमारे दिल की इच्छाएं उसने हमें दी हैं। इसे दो तरीके से देख सकते हैं, आप कह सकते हैं मेरे पास इच्छा है और परमेश्वर ने ये दी है, तो ये गलत होगा। आमेन। इसका मतलब है कि हर एक इच्छा जो आपके पास में है ये प्रभु ने दी है। जानता हूं कुछ लोग देखकर कह रहे हैं, ओह ये नहीं हो सकता, तुम नहीं जानते कि मेरे अंदर कौन सी इच्छाएं हैं। हाँ मैं जानता हूं कि आपने उन इच्छाओं के साथ में क्या किया है, आपने उसे दूषित किया होगा, शायद आपने उन इच्छाओं को लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने इच्छाएं दी हैं और हर इच्छा जो आप में है ये परमेश्वर ने दी हुई है। अगर आप बुनियादी रूप में देखें कि वो इच्छा क्या है, वो जो इच्छा की जो बुनियाद क्या है, जानते हैं, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि लोग तो सबसे पहले इसी के बारे में यही सोचते हैं, हाँ निश्चय अर्थर ये जो कुछ शारीरिक अभिलाषाएं की इच्छाएं परमेश्वर से नहीं है। शारीरिक इच्छाएं तो परमेश्वर ने ही आपको दी है। यदि आप में ये इच्छा नहीं है तो कुछ न कुछ गलत है। और जानते हैं लोग कहते हैं मैं एक विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं और मैं पौलुस के जैसे ही रहूंगा। पौलुस में ये थी, देखिए ये से। आमेन। मेरे पास 2 मिनट है और मुझे ये आपको समझाना होगा। बस 2 मिनट बाकी है। परमेश्वर ने आपको इच्छा दी है, शारीरिक इच्छा उसने दी है, परमेश्वर ने ये इच्छाएं दी हैं, लेकिन आप उन इच्छाओं के साथ में क्या करते हैं और उसके साथ में आप इसे कैसे व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने हर एक इच्छा के साथ में आपको एक प्रतिज्ञा भी दी है और हर एक इच्छा के बारे में उसने ये भी वादा किया है कि वो इन इच्छाओं को पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने आपको इच्छा दी है और उसने प्रतिज्ञा भी की है कि वो आपको पति या पत्नी जरूर देगा, कि वहां पर शादी के इस संबंध में यहाँ पर एक होंगे। और वो कहता है कि विवाह का जो बिस्तर है वो तो अशुद्ध नहीं है, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। यानी ये ठीक है, लेकिन देखिए आप ये कर सकते थे कि आप उस मजबूत इच्छाओं को आपके लिए, आप आगे बढ़कर ये कहेंगे कि मैं खुद के लिए इसे पूरा करते जाऊंगा, मैं खुद अपने आप में इसे पूरा करते जाऊंगा, मैं अपनी इच्छा में पूरा करूंगा। तो ऐसे में वेश्या के पास जाते हैं या किसी तरह का गलत संबंध रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं, आप उन इच्छाओं को ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से ये इसे बताता है। वो इसे बताते हुए यहाँ पर कहता है, जब वो अपने ही अभिलाषाओं में, अपने ही लालसाओं में फंस जाता है, अभिलाषाओं में वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर रुकिए और फिर कहता है, जब वो बुरी इच्छाएं, अभिलाषाएं जब गर्भवती होती है और जब आप अपने लिए यहाँ पर योजना बनाते हैं, ये पाप को जन्म देता है। और जब पाप पूरा बड़ा हो जाता है, परिपक्व होता है, तो ये मृत्यु को लेकर आता है। यहाँ पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप मारता है, परमेश्वर नहीं। हालेलुया। जानता हूं कुछ लोग कहेंगे, आर्थर क्या उनका जीवन तो देखिए इसके कारण पूरा बर्बाद हुआ। और मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों के जीवन को देखते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद दिखता है, शारीरिक अनैतिकता के कारण या जो कोई भी पाप हो जाए, देखिए क्या होता है। देखिए वो सुबह के समय इस तरह से उठकर ये नहीं कहते हैं कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से खराब करूंगा। वो इन बातों को सोचते चले गए और जो पाप है उनके अंदर धारण होता चला गया। और जब वो पाप को लेकर आता है
तो वो मारता है। हालेलुया।